नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपको दिल्ली के अंदर मेट्रो के पास में द्वारका मोड़ मेट्रो से हार्डली 700 मीटर्स के डिस्टेंस पे एक फुल फर्निश 1 BHK प्रॉपर्टी चाहिए, जिसके ऊपर आप कभी कभार अगर छत पे टहलना चाहें तो आपको छत पे कुछ ऐसा ग्रीन एरिया मिल जाए, तो एक ऐसी ही प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं। इस बिल्डिंग में आपको लिफ्ट नहीं मिलती है, बट आपको इतनी बढ़िया छत मिलती है घूमने के लिए। ये प्रॉपर्टी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड थर्ड के ऊपर बना हुआ ये वाला आपको फ्लैट मिलता है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर आपको सारा सामान मिलता है, फुल फर्निश 1 BHK बहुत ही रीजनेबल रेंटल पे द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से ओनली 700 मीटर्स के डिस्टेंस पे। आइए प्रॉपर्टी देखते हैं। सो दोस्तों, ये है स्टेयरकेस लेकर आप अपने फ्लोर तक आते हैं, और इस फ्लोर पे आने के बाद मैं आपको लिविंग हॉल और यहाँ का जो भी लेआउट है वो बता देता हूँ। ये आपका लिविंग हॉल जैसा एरिया है, छोटा एरिया है और रेंटल भी कम है। सामने आपको किचन मिलेगा, सामान के साथ मिलेगा, यहाँ पे आपको हाथ धोने के लिए एरिया मिलता है, पीछे हमारा बेडरूम है। ये इस प्रॉपर्टी का लेआउट है। इस पूरे लिविंग हॉल का जो साइज़ है, ऐसे 8 फीट है और ऐसे 8 फीट है। 8x8 का आपको एरिया मिलता है। यहाँ से आप इधर देखते हैं तो आपको हाथ धोने के लिए सिंक एरिया मिलेगा। ये आपकी किचन है, किचन के अंदर आपको पूरा मॉड्यूलर फंक्शनल मिलता है सिस्टम। यहाँ पे ओवरहेड स्टोरेज मिलती है, लाइट्स ठीक है, यहाँ पे एक शाफ्ट बनी हुई है। शाफ्ट अगर आप क्लोज ही रखेंगे, ओपन तो करने कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको एक फ्रिज मिल जाता है जिसके अंदर आप अपना सामान, घर का खाना ठंडा रख सकते हैं। ये आपका बेडरूम है, बेडरूम बड़े साइज का है, 1 2 3 4 5 6 7 ओ माई गॉड, 14 फीट लंबा और यहाँ से 10 फीट, 14x10 का बेडरूम है अपना, जिसमें आपको बेड मिलता है स्टोरेज वाला, गद्दे मिलते हैं, एक स्टडी टेबल मिलती है कंप्यूटर वाली, और एक छोटी सी अलमारी है। यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है 6.5 किलो की सेमी ऑटोमेटिक। एक आपका वॉशरूम है, आगे आइए। ये वॉशरूम आपको मिलता है 6 फीट x 3.5 फीट के साइज में, और इस पूरे लिविंग हॉल प्लस बेडरूम को ठंडा करने के लिए ये एसी सक्षम है, बढ़िया है, ठंडा कर देगा। आगे आते हैं, तो ये है इस प्रॉपर्टी की बालकनी। जनरली 1 BHK फ्लैट्स में बालकनी का नहीं होता है प्रावधान, बट यहाँ पे हमें पूरा सिस्टम मिलता है। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एनी टाइम अपनी छत को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मेरी तरह यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि ये छत मिल जाए अपने को घूमने टहलने के लिए, तो दोस्तों ये छत है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी गार्डनिंग की गई है, आप इस छत का आनंद उठा सकते हैं। और चाहें तो इस तरह का प्लांटेशन वाला जो शौक है अपना, वो पूरा कर सकते हैं। यहाँ से मेट्रो स्टेशन 0.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही बढ़िया लोकेशन में काउंट होती है, क्योंकि आपको आसपास मार्केट और खाने पीने की चीज़ें, ई रिक्शा कनेक्टिविटी, सब कुछ बड़े आराम से मिल जाता है। यहाँ से जो डोर स्टेप से बाहर निकलते ही लोकेशन है, उसको जैन रोड के नाम से जाना जाता है। अगर आप कभी इंटरनेट के ऊपर गूगल मैप पे ढूंढना चाहते हैं, तो ये जैन रोड आप प्रॉक्सिमिटी देख सकते हैं। जैन रोड एक काफ़ी लंबी रोड है, उसी रोड के शुरुआती एरिया में आपको ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है। काफ़ी बढ़िया फ्लैट है, पैसा वसूल प्रॉपर्टी है, आपके लिए पैसा वसूल प्रोडक्ट लाना हमारा कर्तव्य है। ये रहा प्रॉपर्टी कोड, ये रहे नंबर्स, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, आपकी कॉल रेंटल टीम को दे दी जाएगी और रेंटल टीम आपको इस तरह की जितनी अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको दिखाने की कोशिश करेगी आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। आशा करते हैं आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा। जैसा भी आपको लगा है, जो भी आपके विचार हैं, नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। BRS शो और BRS रेंटर्स दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।